रामपुर नाम के गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा का बहुत सम्मान था। अनामिका भी अपनी सासू माँ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। क्योंकि परिवार बहुत गरीब था, इसलिए रमेश के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि खेती बाड़ी में बहुत नुकसान हो गया था। इसीलिए रमेश गाँव के सरपंच जी से उधार ले लेता है। तभी एक दिन, अजी सासू माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है, बीपी की दवाइयाँ अगर नहीं खाएंगी तो बहुत समस्या हो जाएगी, आप जल्दी से जाके सासू माँ के लिए दवाइयाँ ले आइए। अनामिका मेरी हालत बहुत खराब है, अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, माँ की दवाइयाँ लाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, मैंने पहले ही बहुत उधार ले रखा है, अगर मैं जाऊँगा तो वो मुझसे पैसे मांगेंगे, मैं अब उस गाँव में जा भी नहीं सकता। अरे अरे ऐसे कैसे होगा, सासू माँ को तो दवाइयाँ देनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। मुझे पता नहीं अनामिका क्या करना चाहिए, एक तरफ खेती में घाटा हुआ, दूसरे तरफ रविंद्र का इतना उधार, साथ ही साथ घर के लोग बीमार है, ये सब देखकर अनामिका मुझे जीने को मन नहीं कर रहा, अनामिका मुझे मर जाने को मन कर रहा है। अजी ऐसी बातें मत कहिए, उधार तो आज नहीं तो कल हम चुका ही देंगे, हमारी ऐसी परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी, मैं बस परिवार के बारे में कह रही हूँ, परिवार ऐसा है जो हमेशा आपके दुख में भी साथ खड़ा रहेगा, आप एक बार सोच के देखिए। अनामिका और रमेश जब इस तरह से बातें कर ही रहे थे, तभी वह शारदा पीछे से आती है और खांसते आती है। बेटा रमेश तुम दवाइयाँ ले आए, दवाइयाँ लेने का वक्त हो गया है, लाए क्या? नहीं माँ मैं जा ही रहा हूँ, अभी ले आता हूँ। जब रमेश बाहर जाने ही वाला था, अनामिका उसे किचन में ले जाती है। क्या हुआ अनामिका, तुम मुझे रसोई में क्यों ले आई? ये रहे मेरे कान के झुमके, इन्हें ले जाकर बेच दीजिए और इससे सासू माँ की दवाइयाँ लेकर आइए और घर के राशन की चीजें भी ले आइए। माफ करना अनामिका, मैंने सोचा था परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो मैं तुम्हारे जेवर नहीं बेचूंगा, पर आज वो दिन आ ही गया। अब क्या हो गया जी, आज हमारी परिस्थिति खराब है पर कल ठीक हो जाएगा, मेरे लिए परिवार की खुशी सबसे बड़ी बात है। बहुत जल्द तुम्हारे लिए मैं नए जेवर बनवा के ले आऊंगा, माफ कर देना तुम्हें परेशान करने के लिए। ज्यादा आप सोचिए नहीं, अब जाइए देर हो रही है। रमेश अनामिका का जेवर लेके उसे बेचने के लिए बाजार चला जाता है। उन पैसों से वो दवाइयाँ और घर का राशन लेने का सोच रहा था। ठीक उसी वक्त एक चोर आके रमेश का वो पैसा छीन कर लेके भाग जाता है। रमेश ने बहुत कोशिश की पर वो चोर पकड़ नहीं पाया। बहुत देर तक वो रोता रहा, ऐसा कि उसके आंखों के आंसू भी सूख गए। ये सारी चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, घर पे क्या मुंह दिखाएगा ये सोच के वो एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। नदी में कूदने के बाद रमेश को लगा उसकी मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। जब उसे होश आया तो उसके सामने बहुत सारे जानवर एक साथ खड़े थे। फूलों से भरा हुआ वो इलाका बहुत ही खूबसूरत था, वहाँ की गाय बहुत बड़ी बड़ी थी। ये सब कुछ देखकर रमेश बहुत आश्चर्य हो जाता है। वहाँ एक बुजुर्ग चरवाहा था जो उसे देखकर मुस्कुराता है। तुम जाग गए, तुम्हें देखकर लगता है कि अच्छे इंसान हो, पर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? आप मेरी समस्या नहीं जानते बाबा, हर कदम पर परेशानी है, मैं अपनी माँ और पत्नी को एक दिन अच्छा खाना तक नहीं खिला सकता, मेरी हालत इतनी खराब है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। दुखी मत हो बेटा, तुम्हारी सभी समस्या दूर हो जाएगी, अब वो दिन आ गया, अब चिंता मत करो, उस गाय को देखो। उस गाय को देखकर क्या होगा बाबा मेरा, क्या मेरा जीवन सुधर जाएगा? ये कहते ही रमेश उन गायों को देखता है। ढेर सारी गायें थी, उनमें से कुछ पैसे दे रही थी और कुछ जेवर भी दे रही थी। उन गायों के दूध और गोबर के बदले सोना और पैसे में बदल जा रहे थे। ये देखकर रमेश आश्चर्य हो जाता है। रमेश समझ जाता है कि ये गाय चमत्कारी गाय है। इन गायों को ले जाओ अपने साथ और गौशाला खोलो, तुम्हारी सभी समस्याओं के समाप्त होने के बाद इन गायों को वापस दे देना। बुजुर्ग व्यक्ति की बातें सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है, वो खुशी से झूम उठता है। फिर देर ना करते हुए उन गायों को लेकर वो घर चला जाता है। ठीक उसी समय रविंद्र वहाँ पहुँच जाता है। तुम आदमी हो, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा कर्ज चुकता करो, ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या मैं तुम्हें? इज्जत से सारा कर्ज वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस के हाथ तुम्हें सौंप दूंगा।
रविंद्र, मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। अब घर पे आके ये सब मत कहो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पत्नी को बुरा लगेगा। एक दिन का वक्त दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। रमेश के विनती करने पर रविंद्र वहाँ से चला जाता है। रमेश उन गायों को गौशाला में रखने का व्यवस्था करता है। बाद में रमेश उन गायों के बारे में सारी बातें शारदा और अनामिका को खुल के बताता है। बाद में रमेश अपने कृषि कार्य के काम में व्यस्त हो जाता है और वो गौशाला की जिम्मेदारी सास और बहू को दे देता है। उन गायों के गोबर सोने और पैसों में बदलते देख सास और बहू बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। देखा सासुमा, अब हमारे साथ अच्छा अच्छा हो रहा है। पर बहू रानी, हमें ये सारे गायें वापस देने हैं, तब तक हमारे सारे कर्ज चुका देने होंगे और अच्छे से हमें सेटल भी होना होगा। ठीक है सासुमा, हम इन गायों को जितना ज्यादा खिलाएंगे वो हमें उतना ज्यादा ही देंगे, इसीलिए हमें अच्छे से देखभाल करना होगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही सास बहू उन गायों की देखभाल करती है और उन गायों से जो पैसे और सोने मिलती है उन पैसे और सोने से रविंद्र के भी कर्ज चुका देते हैं। कुछ दिनों के बाद रमेश को कृषि में भी बहुत अच्छा लाभ होता है। पर्याप्त धन, आभूषण और कृषि से होने वाले लाभ से वो परिवार अब सुखी सुखी रहने लगता है। फिर वादे के मुताबिक रमेश उन गायों को फिर से उस बुजुर्ग व्यक्ति को जाके लौटा आता है। तभी से उनके पास जो कुछ भी था उसी से वो लोगों की मदद करते थे और सास बहू पूरा परिवार खुशी खुशी जीने लगे। एक गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था, नाम था रमेश। रमेश अनामिका नाम की एक लड़की से प्यार करता था। इस बात को लेकर शारदा और प्रसाद चर्चा करते हैं। हमारे बेटे के प्रस्ताव को स्वीकार लो, वो और अनामिका की जोड़ी अच्छी रहेगी। चुप रहो, उसके कपड़े देखे हैं, वो सुंदर भी नहीं दिखती और उसके अलावा उसके पास कोई संपत्ति भी नहीं है। उसकी शादी अपने बेटे से कैसे करा दूं? हाँ बताओ, तुम्हें तुम क्या कहना चाहती हो? उसने कहा कि उस लड़की से प्यार करता है। तो अगर वो प्यार करता है तो शादी करा दे, हम भी उसे बचपन से प्यार करते हैं, ये याद नहीं उसे? अब अड़े मत रहो, छोड़ दो, हम उसके घर जा रहे हैं। उसके पिता, उसके मुंह में हमेशा तंबाकू रहता है, धूम्रपान करते हैं, उसका रवैया मुझे पसंद नहीं, वो कभी विनम्र और सम्मानजनक बात भी नहीं करते। अभी वहाँ जाने की क्या जरूरत है? एक बार हम वहाँ जाके देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा उनकी आदत कैसे है, रहन सहन कैसा है। चलिए चलते हैं। ठीक है चलते हैं, रमेश को नहीं ले जाएंगे? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, अभी हम दोनों ही काफी है, चलिए। शारदा अपने पति प्रसाद को लेके अनामिका के घर चली जाती है। उस वक्त अनामिका एक पुराना फटावा साड़ी पहन के घर का काम काज कर रही थी। अनामिका के पिताजी रंगा बीड़ी पी रहे थे और गाना गा रहे थे। रंगा को ठीक से आंखों से दिखता नहीं था, इसीलिए वो पहचान नहीं पाया कि कौन आ रहा है। शारदा और प्रसाद को आते देख रंगा को लगता है कोई भिखारी भीख मांगने आया है। अनामिका, वो भिखारी फिर से आए हैं, उन्हें खाना खिलाया तो ठीक नहीं होगा, बता देता हूँ। पेड़ के तरह मजबूत है, कुछ काम करके खा सकते हैं, मेहनत करके खा ही सकते हैं, हमारे घर भीख क्यों मांगने आ जाते हैं? अरे रंगा, तुम जानते भी हो किससे ऐसी बातें कर रहे हो? अरे भिखारी हो के तुम मेरा नाम लेके बुला रहे हो, कटोरी पकड़ के भिक्षा दो कहते रहते हो, कहो कि बचावा रात का खाना दो, मैं भीख में दे दूंगा। जो लोग सक्षम होते हैं मैं उसे भीख नहीं देता हूँ, अब तुम्हें जो सोचना है सोचो, जाओ। देख लिया, इसीलिए मैंने कहा था इसके घर के लोगों का रवैया और व्यवहार देखना होगा। एक कोने में बैठ के तंबाकू खाता है और जो मुंह में आता है कहे जाता है। बहुत हुआ, चुप रहो, तुम्हारी भी कोई जिंदगी है, यहाँ भीख मांगने आए हो और उपदेश दे रहे हो। मैं गलत हूँ, मेरे कपड़े ज्यादा महंगी है तुम लोगों की जिंदगी से, और एक शब्द कही ना तो तुम्हारे गालों पे कस के एक थप्पड़ लगाऊंगा। अपना कचड़ा मुंह लेके मेरे घर आए हो? बेटा अनामिका, यहाँ जल्दी आओ, मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अनामिका घर का काम कर रही थी, पर उसे पता था कि उसके पिताजी जरूर किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी से भाग के आती है। बाहर देखती है शारदा प्रसाद, वो आश्चर्य रह जाती है, क्योंकि पिताजी जो मुँह में आ रहा था वही कह जा रहे थे, इसीलिए अनामिका उन्हें चुप होने को कहती है। पिताजी, ये कोई भिखारी नहीं है,
ससुर जी और सासू माँ आई हैं। अरे मेरी नजर कम है इसीलिए दिखा नहीं, इन्हें अंदर ले जाओ। असल में पिताजी को ठीक से दिखता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह से कह दिया। हम यहाँ पे शादी की बात करने आए थे, मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है इसीलिए उसी के पसंद से हम शादी कराना चाहते थे। बेटा अगर हमारे घर में बहू बन के आई तो ये सब कुछ बदलना होगा, अगर पिताजी के तरह होगी तो ठीक नहीं लगेगा। अरे मेरी बेटी सोने जैसी है, मेरी तरह नहीं है, बिल्कुल माँ की तरह है। वो देख लेंगे कि कितनी वो माँ की तरह लगती है, पहले बताइए कि कितना दहेज देंगे। मेरे पास साफ दिल है, उसके अलावा कुछ नहीं, और बेटी के पास भी वैसा ही है। अच्छा दिल होना अच्छी बात है, पर हम उससे मकान नहीं बना सकते हैं। कंगाल हो, पता था तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को इसी तरह जाल में फंसा लिया है। देखिए इस तंबाकू की कसम खा के कहता हूँ, अगर गुस्सा आ गया ना तो मैं किसी का जान भी ले सकता हूँ। बेटी का अपमान मत कीजिए, नहीं तो राख बनाने में वक्त नहीं लगेगा। संपत्ति की बात क्यों कह रहे हैं, बताइए क्यों? ये बीड़ी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब लेके मेरे घर कभी मत आना, समझे? ठीक है भाई साहब, हो सकता है हम इस उम्र में हसमुख नहीं रहे। अब हम जाते हैं, कल हमारे रिश्तेदार के साथ रमेश आएगा और शादी तय करके जाएगा। तब तक घर की साफ सफाई कर लीजिएगा ताकि हमें कोई बात ना सुनना पड़े। शारदा और प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। रंगा अपनी बेटी के बारे में सोचकर दुखी हो जाता है। फिर रंगा अपनी पत्नी के द्वारा छुपाए गए एक बक्से को लाकर अनामिका के हाथ में देता है। ये तुम्हारी माँ का है, आज तक मैंने खोला नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, ले लो बेटा। बक्से को खोलकर अनामिका देखती है एक सुंदर सी साड़ी उसमें है, वो साड़ी उसे बहुत पसंद आती है। अनामिका उस साड़ी को पहनती है और अपने पिताजी को दिखाती है। बहुत खूब, पर इस साड़ी से क्या होगा, हम उनसे सोना पैसे से बराबरी नहीं कर सकते, बस यही चिंता है मेरी। चिंता मत कीजिए पिताजी। जब अनामिका ऐसा कह रही थी उस साड़ी से पैसों की गड्डी और गहने गिरने लगे। ये देखकर अनामिका और रंगा आश्चर्य हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं ये एक मायावी साड़ी है। अगले दिन प्रसाद, शारदा और रमेश साथ ही कुछ और लोग अनामिका के घर आते हैं। अनामिका वही साड़ी पहन के उनके सामने आती है। उस साड़ी में सभी को अनामिका बहुत पसंद आती है। शारदा और प्रसाद दहेज के बारे में पूछते ही रंगैया लाके उन्हें ढेर सारे पैसे देता है। शारदा बहुत उत्साहित हो जाती है, सबके सामने शारदा अपनी बहू की बहुत तारीफ करती है। पुजारी ने कहा कि बहुत अच्छा शुभ अवसर है, ये देखकर रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। उस मायावी साड़ी की मदद से अनामिका को जो चाहिए था वो मिल जाता है और उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है।